पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को मोहम्मद काशिफ का सलाम। व्यूअर्स, आज के व्लॉग में सबसे पहले वेदर की बात करते हैं। तो ये गूगल में मैं आपको वेदर वो दिखाने की कोशिश करता हूँ जहाँ पे मैं रहता हूँ, वहाँ पे मौसम जो है ना काफी ठंडा चिल प्रोग्राम हो गया है। ये पूरे वीक से चिली है, कल -46 था, आज का देखें जी। ये सबसे पहले जैसे मैंने इसको खोला, देखें ये रेड बार में लिखा हुआ एक्सट्रीम कोल्ड वार्निंग, बाकी आप पढ़ सकते हैं। नीचे लिखा हुआ कैलगरी अल्बर्टा वेदर, और ये येलो आपको नजर आ रहा होगा -31 सेंटीग्रेड। और इसके आगे आप देखें एक्चुअल जो चीज है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, फील लाइक -44। ये ब्लू जो मैंने किया, ये देखें फील लाइक -44। तो आप देख लेंगे कितना वो ठंडा मौसम है। और इसके नीचे लिखा हुआ लाइट स्नो, कल भी काफी स्नो पड़ी है, आज थोड़ी सी कम है। तो कल का टेम्परेचर था -46 फील लाइक, लेकिन आज थोड़ा सा कम है, -44 है, लेकिन इतना भी कम नहीं है। आप देख लें कि वो कितना वो कम है। और आगे वो 36 आवर का अगर मैं आपको दिखाऊं तो आगे क्या सिलसिला है, ये देखें -32 है और फील लाइक -44 है। फिर वेनसडे को ये देखें, वेनसडे मॉर्निंग में -30 और फील लाइक -41 है। थोड़ा ऊपर करता हूँ आपको सही नजर आएगा। फिर जी वेनसडे आफ्टरनून में व्यूवर्स टेम्परेचर है -28 और फील लाइक -39। ये तो हो गया अगली। अब हम देखते हैं वो 7 डे का टेम्परेचर, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक वो वीडियो जो है ना सिर्फ मौसम के मुताबिक बनाई जाए सिर्फ, और दूसरी जो है करंट अफेयर वाली वो मैं सेपरेट बनाऊंगा। अच्छा जी, अब ये मैंने 7 डे का निकाला, इसमें आप देख लें अभी वाला ये -31 ये बता रहा है, और विंड बता रहा है, ह्यूमिडिटी बता रहा है, विजिबिलिटी बता रहा है, सनराइज बता रहा है 8:37 AM पे होगा, सनसेट 4:31 PM पे, ये सारा लिखा हुआ है। विंड वो कितने किलोमीटर है और वो प्रेशर कितना है, सारी डिटेल लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। अब नीचे हम आते हैं जी, ये 7 डे का जो टेम्परेचर है इस पे, तो वेनसडे को देखें जी -29 मैंने आपको पहले भी बताया और फील लाइक -31 है। फिर थर्सडे को और बेहतर हो जाएगा, -24 है और फील लाइक -32 है। और इसमें रात को जरा ना वो ज्यादा ठंडा होता है। ये दोबारा से वेनसडे वाला मैं आपको थोड़ा दिखा दूं, ये देखें -39 है, वो प्रोबेबिलिटी POP प्रोबेबिलिटी ऑफ चांस ये उसके स्नो के हैं वो 30% बता रहा है। और जो विंड है वो 16 किलोमीटर होगी और नॉर्थ वेस्ट उसकी वो डायरेक्शन होगी। तो नॉर्थ से जो भी हवाएं आती हैं वो काफ़ी ठंडी होती हैं। और ये देखें फिर थर्सडे -24 और फील लाइक -32 और नाइट में -28 और स्नो की जो प्रोबेबिलिटी है वो 20% है। और अच्छी बात ये है कि हवा की जो स्पीड है वो 12 किलोमीटर और साउथ ईस्ट से, जब भी साउथ से हवाएं आती हैं तो वो गर्म हवाएं होती हैं, और इधर कैलगरी में काफ़ी वो स्नोक भी चलते हैं। एक दिन में आपको 3 बार टेम्परेचर भी देखने को मिलते हैं कि अभी फर्ज करें सुबह के टाइम में सर्दी है, दोपहर में जनाब वो स्नोक चल पड़ी तो वो गर्म हवाएं आई तो आपको गर्मी लगेगी, अगले टाइम में साथ ही बारिश हो जाए। मतलब 2-3 टेम्परेचर या 2-3 तरह का मौसम आप एक ही दिन में देख सकते हैं। आगे चलते हैं, फ्राइडे पे बात तो लंबी हो रही है, फ्राइडे को -18 है और कम हो जाएगा, आस्ता आस्ता बेहतर हो रहा है, फील लाइक -22 है और नाइट में -28 डिग्री है और स्नो के जो चांसेस हैं वो 30% है। और जो हवा है वो साउथ ईस्ट उसकी डायरेक्शन होगी साउथ ईस्ट, ये देखेंगे फिर ये पीछे आके मैं दोबारा से दिखाता हूँ जी, जी यहाँ पे थे हम। और इसके बाद फ्राइडे सॉरी सैटरडे देखें, सैटरडे को काफी बेहतर देखें, यकदम ही कितना -18 से -2 पे आ गया और फील लाइक कितना था फ्राइडे को -22 और -3 पे आ गया। मैंने बताया ना यकदम मौसम चेंज हो जाता है, यकदम इधर पता नहीं चलता।
तो इसीलिए हर बंदे ने अपनी वो गाड़ी में जैकेट भी रखी होती है, ग्लव्स भी रखे होते हैं, रेनकोट भी रखा होता है समर में भी, तो मतलब सारा बंदोबस्त वो किया होता है क्योंकि इधर वेदर का पता नहीं चलता। 3W का इधर कभी भी वो भरोसा नहीं करते लोग, वर्क, वुमेन और वेदर, ये 3W इधर के फेमस है, कैंप पे वो कभी भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। और स्पेशली कैलगरी के वेदर को लोग वो कभी भी प्रेडिक्ट नहीं करते, ये कभी भी कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, जैसे ये मैंने आपको दिखाया। और इसी तरह संडे को देखें 0 degree, फिर फील लाइक देखें -4 है, और नाइट में -7 है, और स्नो के जो चांस है वो 30% है, 20-30 लेस ही होते हैं, इसमें कभी पड़ जाती है कभी नहीं पड़ती, इतना मसला नहीं है, अच्छी बात है कि टेम्परेचर ठीक है। फिर वो मंडे को भी देखें 0 और फील लाइक -3, और ट्यूसडे 1+ में चला गया, लेकिन ये वो गारंटी नहीं है कि अगले दिन -20 हो जाए, जैसे ये -18 था आपने देखा -2 हो गया यकदम, तो ये यकदम फिर और ज्यादा वो नीचे जा सकता है, तो इस पर वो ट्रस्ट नहीं कर सकते हम। तो ये तो हो गया 7 day का टेम्परेचर, मतलब कि ये वाली जो क्रिसमस है ये भी वाइट होगी, और वैसे भी यहाँ पे अगर स्नो ना पड़े तो इसको वो ब्लैक वो क्रिसमस कहते हैं, और गोरे लोग इसको माइंड करते हैं, वो कहते हैं ओहो स्नो नहीं पड़ी, मतलब उनको मजा नहीं आता, और वो स्नो पड़ी और काफी चिल भी आया तो वो खुश होंगे और वाइट क्रिसमस इसको कहेंगे। नहीं जी, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़ जी।